नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीजी स्टडी पर। आज है 19 जून 2020। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। निक हॉकले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अंतरिम सीईओ बने। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के केविन रॉबर्ट्स के इस्तीफे के बाद निक हॉकले को अपने अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। हॉकले वर्तमान में आईसीसी T20 विश्व कप के मुख्य कार्यकारी हैं और उन्हें इस वर्ष शुरुआत में टूर्नामेंट में महिला संस्करण के संचालन की निगरानी भी की है। KGMU ने शुरू की सामुदायिक रेडियो सेवा। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ ने लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे और उनके समाधान के बारे में जागरूक करने के लिए एक सामुदायिक रेडियो सेवा शुरू की है। रेडियो स्टेशन जिसे 89.6 मेगाहर्ट्ज़ के ट्यून किया जा सकता है। यह कार्यक्रम सुबह 10 से 2 बजे तक चलता है और जनता के बीच में जागरूकता फैलाने में केंद्रित है। रोका छेका लागू करेगी छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी गांवों में रोका छेका तकनीक को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ की पारंपरिक कृषि विधियों को पुनर्जीवित करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। राज्य सरकार के ने यह कदम सुराजी गांव योजना के तहत गौशालाओं और अधिक उपयोगी बनाने के आवारा पशुओं को खुले चरने में फसल को हानि पहुँचाने नुकसान को रोकथाम के लिए किया है। तो रोका छेका कहाँ की? छत्तीसगढ़ की। आंध्र प्रदेश ने एक योजना के लिए धन आवंटित। आंध्र प्रदेश ने कृषि मंत्री कोरासला कन्नू बाबू ने 16 जून 2020 को राज्य विधानसभा में 2021 के लिए कृषि बजट पेश किया। बजट में ऋतु भरोसा पीएम किसान योजना के लिए 8,885.60 करोड़ रुपए आवंटित किए। तो कौन सी योजना के लिए? ऋतु भरोसा पीएम किसान। पूर्व जज डीके जैन को मिला एक वर्ष का विस्तार। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश डीके जैन को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने BCCI के एथिक्स अधिकारी के लोकपाल के रूप में सेवा देने के लिए एक वर्ष का विस्तार किया है। उन्हें फरवरी 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने BCCI के लोकपाल के रूप में नियुक्त किया था और बाद में एथिक्स अधिकारी की भूमिका सौंपी थी। मेमेडियोरोव ने जीती सहजा ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप। अजरबैजान के साखरियार मेमेडियोरोव ने वर्ल्ड स्टार सहजा ऑनलाइन इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप में शीर्ष सम्मान प्राप्त किया है। ग्रैंड मास्टर मेमेडियोरोव ने प्रतिष्ठित खिताब जीता और 10 राउंड में 7.5 अंक के साथ $3,000 कमाए। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे 18 जून को मनाया जाता है। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे हर 18 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह गैस्ट्रोनॉमी की प्रकृति में संबंधित सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के साथ साथ विश्व की सांस्कृतिक विविधता के रूप में स्वीकृत करने के लिए एक मान्यता मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2016 से 18 जून को इस दिवस में मनाया जाता है। गैस्ट्रोनॉमी को कभी कभी भोजन की कला भी कहा जाता है। कर्नाटक में 18 जून को मनाया गया मास्क दिवस। कर्नाटक सरकार ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया गया। यह COVID-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए उद्देश्य मास्क, सैनिटाइजर के उपयोग, साबुन के हाथ धोने और अन्य लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने के बारे में जागरूकता फैलाता है। IIMD का विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता का सूचकांक। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IIMD द्वारा संचालित एक वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत लगभग 43वें स्थान पर बना हुआ है। सिंगापुर 63 देशों की सूची में अपना शीर्ष स्थान बरकरार है। तो इसमें फर्स्ट पोजीशन पर कौन है? सिंगापुर। और भारत की पोजीशन क्या? 43। IIMD विश्व स्पर्धात्मक सूचकांक। खेल मंत्रालय करेगा KICE की स्थापना। KISCE खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया के तहत खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का निर्णय लिया। जबकि किसके की पहचान हर राज्य में की जाएगी। अब इस को पहले चरण में 8 राज्यों को वाली सुविधाओं को अग्रणी किया है। इस सुविधा में आधारभूत खेलों से उपलब्ध सुविधा के आधार पर संचालित पिछले चैंपियनों के आधार पर किया गया है। पहली बार देखी गई पदार्थ की 5वीं व्यवस्था। वैज्ञानिकों ने पहली बार अंतरिक्ष में पदार्थ की 5वीं व्यवस्था का अवलोकन किया है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट BEC जिसे अस्तित्व की भविष्यवाणी लगभग एक शताब्दी पहले अल्बर्ट आइंस्टीन और भारतीय गणितज्ञ सत्येंद्रनाथ बोस ने की थी। ये तब बनते हैं जब तत्वों को परमाणु को पूर्ण शून्य केल्विन -273.175 पर ठंडा किया जाता। जितेंद्र सिंह ने किया ITEC NCGG से संबोधन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 18 जून 2020 को COVID-19 पर ITEC NCGG को दो दिवसीय कार्यशाला में उद्घाटन भाषण दिया। पहले दिन सत्र में कर्नाटक, गुजरात और बिहार में राज्य स्तरीय सर्वोच्च प्रथाओं को, केरल, तेलंगाना, जम्मू और कश्मीर के जिला स्तरीय सर्वोच्च प्रथाओं को शामिल किया गया। इसका उद्देश्य ITEC देशों के लिए भारत की सुशासन प्रथाओं को प्रचार करना था।
रूस ने लिया एक दल भेजने रूस के लिए एक दल भेजेगा भारत। भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध की जीत में 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मास्को में सैन्य परेड के भाग लेने के लिए 75 सदस्यीय त्रिसेवा दल को भेजना है। परेड रूसी और अन्य मैत्रीपूर्ण लोगों द्वारा किए गए वीरता और बलिदान के सम्मान में की जाएगी। यह 24 जून को आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने किया नया पोर्टल लॉन्च। तमिलनाडु सरकार ने रोजगार और प्रशिक्षण विभाग में कोविड-19 को परिदृश्य के नौकरी की तलाश करने वाले की सहायता के लिए एक नया पोर्टल शुरू किया है। तमिलनाडु प्राइवेट जॉब पोर्टल एक अनूठा उद्यम है जिसका उद्देश्य नौकरी चाहने वालों को डिजिटल रूप से नौकरी प्रदान से जोड़ना है। जम्मू कश्मीर में योग सप्ताह 2020 का उद्घाटन। जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने औपचारिक रूप से योग सप्ताह 2020 का उद्घाटन किया। यह 21 जून 2020 को मनाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित है। वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब की दूसरी इकाई। कर्नाटक के बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री जगदीश शेट्टर ने 17 जून 2020 को हुबली में वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब की दूसरी इकाई का उद्घाटन किया। यह इकाई के अलावा सरकार के पास धारवाड़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस में एक और प्रयोगशाला है। गुजरात में डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री का शुभारंभ। गुजरात में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने पेशेवर ITI पाठ्यक्रम के जुड़े 1 लाख से अधिक छात्रों के लिए डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री लॉन्च की है। नोवेल कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न स्थिति को देखते हुए छात्रों को ऑनलाइन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। पाठ्यक्रम को जो ITI और 700 से अधिक पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण द्वारा तैयार किया गया 2000 से अधिक घंटों का ही प्रोग्राम है। जम्मू और कश्मीर को 3 प्रतिष्ठित पुरस्कार। जम्मू कश्मीर को 3 प्रतिष्ठित दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसे केंद्र शासित प्रदेश ग्राम पंचायत के शासन आर्थिक विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। पुलवामा जिले में पंचायत रैथल और पंचायत बड़काना पंचायत मईस का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायत घोषित किया है। तो एक पुलवामा जिले की पंचायत रैथल और बड़काना। जम्मू और कश्मीर कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदला। जम्मू कश्मीर ने प्रशासनिक परिषद में कृषि उत्पादन विभाग का नाम को बदलकर कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग करने और किसानों को कल्याण पर अधिक ध्यान देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। निर्णय का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के वास्तविक मूल्य का एहसास कराने तथा अन्य अनुकूलन और मदद करने के लिए अधिक से अधिक जनता प्रदान करना और किसानों कल्याण में ध्यान केंद्रित करना है। गेहूँ खरीद में छुआ रिकॉर्ड। किसान ने गेहूँ की खरीद में 382 लाख टन का ऑल टाइम रिकॉर्ड छू लिया है। इससे पहले रिकॉर्ड 2012-13 में 381 लाख टन था। PSB MSME सेक्टर को दिए 18,306 करोड़। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों में MSME क्षेत्र में 18,306 करोड़ रुपये दिए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों में 100% इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत 32,044 करोड़ रुपये के ऋण को मंजूरी दी है। भारत सरकार शुरू करेगी गरीब कल्याण रोजगार अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रामीण विकास के आजीवन के अवसरों को बढ़ा देने के लिए 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेगी। यह वापस आई प्रवासी श्रमिकों को ग्रामीण नागरिकों को आजीविका के अवसर प्रदान करेगा। 6 राज्यों में 116 जिलों में 125 दिन का है ये, जिसमें नौकरी प्रदान करने के लिए 25 विभिन्न प्रकार के कार्यों का गठन और कार्यान्वयन शामिल किया जा रहा है। अच्युत उस गांववकर का निधन। गोवा के पूर्व मंत्री अच्युत काशीनाथ सिनाई उस गांववकर का जून 2020 में निधन हो गया। ये सबसे पुराने क्षेत्रीय संगठन महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के नेता थे। 4th एशियाई युवा पैरा खेलों में मेजबानी करेगा बहरीन। एशियाई पैरा ओलंपिक समिति की घोषणा की बहरीन 1 दिसंबर से 10 मार्च 2021 तक एशियाई युवा पैरा खेलों की 4th श्रृंखला मेजबानी करेगा। 20 वर्ष से कम उम्र के अनुमानित 800 एथलीटों ने एथलीट में बैडमिंटन पावर लिफ्टिंग तैराकी टेबल टेनिस आदि 9 स्पर्धाओं को उम्मीद है। तो ये थे दोस्तों आज की करंट अफेयर। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।